वहीं 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। दिल्ली में 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। लाल किले के आसपास निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मी गाड़ियों की भी जांच कर रहे हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा पुख्ता हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। खासतौर से लाल किले के आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाई सिक्योरिटी जोन है जहां सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 15 अगस्त से पहले लगातार सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद समेत तमाम सरकारी भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐतिहासिक इंडिया गेट से लेकर तमाम बिल्डिंग्स पर कलरफुल लाइट देखते ही बन रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर ने रायसीना हिल्स से मौके का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के सामने हूं। मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रपति भवन दिखाता हूं। सामने स्क्रीन पर आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति भवन को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, खास तौर पर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। और राष्ट्रपति भवन के दोनों साइड में अगर हम देखें तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है। यहीं पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय है। इस पूरे इलाके को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। अब यहीं से हम थोड़ा राइट पैन करके देखें तो सामने, ठीक सामने स्क्रीन पर अब आपको संसद भवन दिखेगा। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, और उसके ठीक दाहिनी तरफ संसद भवन की नई बिल्डिंग, इसे भी बहुत ही खास तरीके से सजाया गया है सिर्फ स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। अब हम यहां से थोड़ा राइट पैन करके और देखेंगे तो सामने बिल्कुल तिरंगे की कलर का बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रेल मंत्रालय है और विजय चौक से रेल मंत्रालय इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे तिरंगे में उड़ाया गया हो। अब यहाँ से हम थोड़ा राइट पेन करके आपको और दिखाएंगे तो थोड़ा दूर यहाँ से जूम करके आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ठीक सामने इंडिया गेट, राजपथ और इंडिया गेट। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है और ठीक सामने इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। तो पूरे इलाके को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, क्योंकि इसकी खूबसूरती अलग है और हमारे देश के लिए इसका महत्व भी बहुत अलग है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो भाई 15 अगस्त को लेकर लाल किले पर क्या तैयारियां हैं? सुरक्षा इतने पुख्ता है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। संवाददाता मोहम्मद अफसर की एक और रिपोर्ट आप देखिए। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम लाल किले पर ही मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले के बिल्कुल सामने का दृश्य। यहाँ से एंट्री है जो कि बंद कर दिया गया है। आम दिनों में यहाँ से सैलानी घूमने जाते हैं, जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो लाल किला घूमने के लिए यहीं से दाखिल होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के तैयारियाँ जो की गई हैं उसकी वजह से ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से हम आपको दिखाते हैं क्योंकि लाल किले का ठीक सामने का एरिया जो चांदनी चौक के सामने होता है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और यहाँ पर देखिए दिल्ली होमगार्ड के जवान यहाँ पर खड़े हैं, मुस्तैद हैं। यहाँ पर दूर देखिए आप सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। यहाँ पर किसी भी को ट्रैफिक को भी रुकने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई है। 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं, तो इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है सामने कि लाल किला पर्यटकों के लिए 15 अगस्त तक बंद है। ये बिल्कुल सामने लाल किला दिख रहा है, शायद कैमरे ना दिख रहा हो क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया गया है एक तरह से, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इसको छुपा दिया जाता है क्योंकि अंदर में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। मंत्रिमंडल पूरा होता है, प्रधानमंत्री मोदी खुद होते हैं जो भाषण देंगे, तो तैयारियां यहां पर बहुत ज्यादा कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चौकस कर दी गई है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और इस तरह से 15 अगस्त की तैयारियां लाल किले पर बहुत ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहां कर दी गई है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली के लाल किले पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त हम लाल किले के सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक के पास का जो एरिया है ये पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर आम लोगों के लिए ही रास्ता होता था सामने, जो आप देख रहे हैं जाने के लिए। सामने बिल्कुल लाल किले का मुख्य द्वार है, इसे कवर कर दिया गया है क्योंकि 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर के झंडा फहराएंगे, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर CISF के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और साथ में दिल्ली होमगार्ड के जवान सभी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं। लगातार सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई है। रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है और ये जो रास्ता हमेशा आम दिनों में खुला होता था पूरा बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जवान यहां पर लगातार मुस्तैद हैं। किसी भी ट्रैफिक को यहां पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरीके से इस जगह को बंद कर दिया गया है और 15 अगस्त शाम तक ये जगह ऐसे ही बंद रहेगा क्योंकि जब तक पूरा फंक्शन ओवर हो जाएगा उसके बाद जाकर के इस जगह को खोला जाएगा। तो इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के सामने बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो भारत इस साल अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 15 अगस्त से पहले दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां भव्य रूप से चल रही हैं। लाल किले पर अलग अलग सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात प्रसारण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। PM मोदी ने बताया था कि इसके तहत हमारे अमर शहीदों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की याद में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी लगाए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो वहीं तिरंगे की बिक्री भी कितनी हो रही है, विक्रेता क्या कहते हैं, दिल्ली से अक्षित गुप्ता की रिपोर्ट आप देखें। हम दिल्ली के अभी सदर बाजार में हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चहल पहल है 15 अगस्त से पहले, और हर घर तिरंगा अभियान जो है वो भी जो है चालू हो चुका है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए। हम कुछ विक्रेताओं से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी उनकी बिक्री हो रही है। सर आप हमें बताइए तिरंगा की बिक्री कैसी है इस बार? सही है, सही है इस बार, लोग ले रहे हैं तिरंगा आके? हाँ ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने एक विक्रेता को सुना, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तिरंगे की बिक्री जो है अभी 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 उनकी जो बिक्री है वो सही चल रही है, और उसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप हमें बताइए, आप लोग तिरंगा वगैरह बेच रहे हैं? सर बिल्कुल बेच रहे हैं, देखो सारी वैरायटी। हाँ। तो अभी कैसी बिक्री है? सर बहुत जबरदस्त सेलिंग ऐसी हो रही है कि मार पड़ी हुई हमारी। हाँ। माल नहीं है, स्टॉक नहीं है। अच्छा, देने के लिए कस्टमर को। तो अभी 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान भी चालू करा प्रधानमंत्री ने, तो लोग आके ले रहे तिरंगा? बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर आप हमें बताइए तिरंगे की बिक्री कैसी है इस बार? हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू करा है, तो उसके बाद से बिक्री में कुछ असर देखने को मिला? हाँ, बहुत डबल सेल हो गई पहले से। डबल सेल हो गई इस बार, पिछले साल से भी ज्यादा सेल है इस बार। तो मंत्र जानने से पहले, पिछले साल भी मोदी ने बोला था ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, क्या पिछले साल थी वैसे ही अब सेल है, वैसी सेल है। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक और विक्रेता को सुना, सेल जो है उनका कहना यही है कि इस बार काफी जो सेल है वो बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ विक्रेता ये भी कह रहे हैं कि सेल इतनी ज्यादा नहीं है। हमने पहले कुछ बात करने की कोशिश करी, आई कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि सेल कैसी है। सर आप हमें बताइए अभी तिरंगा वगैरह आप बेच रहे हैं, कैसी सेल है आपकी? अच्छी सेल है। हाँ। अच्छी सेल है, आप बताइए सर कैसी सेल है अभी? बहुत बढ़िया सेल है। हाँ। और बहुत बढ़िया ये अभी अभी हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, उसके बाद सेल में कुछ फर्क पड़ा है? सेल बहुत बढ़िया है, आके ले रहे हैं लोग, सब लोग ले रहे हैं। तो आपने एक और विक्रेता को यहाँ पर सुना और उनका कहना यही है कि सेल जो है काफी ज्यादा बढ़िया है, और हमने काफी विक्रेताओं से बात की और उनका यही कहना है कि सेल जो है काफी बढ़िया हो रही है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो है जो कि प्रधानमंत्री चालू किया है 13 से 15 अगस्त तक, उसके बाद से जो सेल है उसमें काफी असर देखने को मिला है। दिल्ली से अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी को लेकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी पूरे जोशो हवास में चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सड़कों पर तिरंगाओं की जो दुकानें हैं वो सजकर तैयार हो गई हैं। लोग जो है वो तिरंगे खरीद रहे हैं और यहां से खरीद के वो अपनी बाइकों पे लगा लगा के जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस बार देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हर किसी के ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है कि देश में सभी की अपनी बात रखने का
कोई भी बात है, अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं सब लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो एक इमेज है ग्लोबली, हर कोई प्रधानमंत्री को अपना बॉस बताता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं, सब अपने सबका अपना अपना नजरिया है देखने का, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पे झंडे लगाकर जा रहे हैं और उनका एक तरीका है ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का। तो देश भर में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, देश आजादी का 77वां दिवस मना रहा है और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एक इश्तवाड़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मुदासिर के माता पिता ने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मुदासिर के पिता का यह कहना है कि सभी को अपने घर में तिरंगा फहराना चाहिए। मुदासिर को लेकर पिता ने कहा है कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, इसलिए वो सरकार और सुरक्षा बलों से उसे वापस लाने की अपील भी करते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पुंछ सेक्टर में है और आपको बता दूं कि इस वक्त ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जो है वो बना हुआ है सेना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियों को जो है वो करने की कोशिश की गई है, कई अटैक उन्होंने किए और उसी के चलते सेना के जवान जो है वो जंगल वॉरफेयर के लिए किस तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ कुछ दिन पहले ही मुनीर नाम के एक आतंकी को मार गिराया है जो सबसे बड़ा आतंकी था और लगभग पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था और यहाँ वो आया और उसी के खिलाफ जो है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो है उस मुनीर को मार गिराया। और आपको बता दूं कि सेना के जवान किस तरीके से इस जंगल के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, कई चुनौतियां हैं मौसम के साथ साथ इस चीज का खतरा, पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं अब नई रणनीति से यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो इस वक्त जो इलाका है जहां पे इस वक्त आतंकी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वो दाढ़ी के साथ या आतंकी वेशभूषा में नहीं बल्कि एक अलग तरह की जो है वो चाल में है, जिसमें आतंकी आपको बता दूं कि पूरे अपने आप को जो है सिविलियंस की वेशभूषा में ढाले हुए हैं, वहीं रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है आम लोगों के बीच घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेना के जवान हाथों में घातक हथियार लिए नजरें पैनी रखे हुए इस पूरे जंगल के इलाके में ऑपरेट करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे जो है वो मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें डॉग स्क्वाड जो है उसने बड़ा अहम रोल अदा किया है और यही चीज पंजाब बॉर्डर पर भी है। आप देखेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये यहां जो डॉग स्क्वाड का एक डॉग है उर्मिला नाम है इसका और आप देखेंगे ये पेट्रोलिंग जो होती है फुट पेट्रोलिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वहां सबसे आगे लीड करता है और कैसे लीड करता है वो आपको बताएं, क्योंकि ये इलाका है यहाँ ड्रग्स का खतरा हो सकता है, एक्सप्लोजिव का खतरा हो सकता है, उसी चीज से निपटने के लिए मैं चाहूंगा कुछ कमांड आपको दें इसको। अब देखिए देखिए ये कमांड जो है ये वो जनरल कमांड है जो इसको पता है, मगर इससे ज्यादा जो चीज है उर्मिला को इस चीज की महारत हासिल है कि वो किसी भी तरह का जो एक्सप्लोजिव है या कोई ड्रग्स है नार्कोटिक्स है उसको डिटेक्ट कर सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, आप देखें आगे घने जंगल हैं, सरकंडा है, इसी सरकंडे का फायदा उठाकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे जो स्मगलर्स हैं या पाकिस्तानी रेंजर हैं वो यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ह्यूमन अलर्टनेस के साथ साथ यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड है उसको भी खास तौर पे डिप्लॉय किया गया है। और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो उर्मिला है यहाँ पर इस पूरे इलाके में पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में वो भी एक लीडर की तरह सबसे आगे रहती है और इस पूरी जो पेट्रोल हो रही है उसका हिस्सा होती है। दो चीजें, जो पीछे पूरी टुकड़ी बीएसएफ की चल रही है उसको सुरक्षा जो है उसकी डबल सुरक्षा के लिए जो है उर्मिला वो है वो काम करती है, क्योंकि वो पहले चीजों को देखती है, कोई अगर उसे कोई ऐसी गंध आ जाए जो एक्सप्लोजिव हो सकती है, जो खतरा हो सकती है, वो उसे डिटेक्ट करती है और उसके बाद बाकी जवान जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम इस इलाके में जो देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल, किस तरीके से यहाँ पर गैजेट्स और ह्यूमन के साथ साथ डॉग स्क्वाड जो है वो भी एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ये अलर्टनेस जो है कहीं ना कहीं और ताकत जो है वो बीएसएफ को देती है।
जम्मू कश्मीर हो या पंजाब सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, बीएसएफ के लिए खतरा किसी भी तरह को हो, चुनौती किसी भी तरह की हो, वो बराबर है। बेशक यहाँ पर आप देखेंगे तो युद्ध विराम के उल्लंघन नहीं हुआ, कभी नहीं हुए, मगर यहाँ पर भी बीएसएफ किसी भी तरह से चौकसी में कोई कमी नहीं लाती है। आप देखेंगे बीएसएफ की ये टुकड़ी जो है इस वक्त फुट पेट्रोलिंग के लिए निकली है, और इस फुट पेट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो इसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है कि सरहद के पार से कोई खतरा अगर यहाँ दिखे, या चाहे वो नार्कोटिक्स की स्मगलिंग का हो, वेपन की स्मगलिंग का हो, तो उसे कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है कि वो खतरा इस तरफ हो तो उसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस टुकड़ी में, बीएसएफ की इस जो पेट्रोल की टुकड़ी है, उसमें महिला कांस्टेबल्स और उसके साथ साथ जो है जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में बेशक आगे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर फेंस जो है वो नहीं रहती, आगे फील्ड काफी रहता है, मगर यहाँ जो आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो लाइन का ये इलाका है,